हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक। ये है हिस्ट्री बुक, ओके। और ये आपके सेकंड ईयर की, इट मीन्स ट्वेल्थ क्लास की बुक है। तो ऑलरेडी हम लोग एंशिएंट और मिराइवल कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लेसन चल रही है। तो जितनी भी लिंक यहाँ पे जितनी भी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही आज हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सी यहाँ पे चैप्टर पढ़नी है। तो ये इस बुक की कंटेंट है, और हम लोग ऑलमोस्ट विलियम बेंटिक तक यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, यानी अप टू 5 लेसन्स तक हमारी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 से, और वो है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रलम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लेसन। तो ये है लेसन नंबर 6, लॉर्ड डलहौजी, और इनकी शासनकाल थी 1848 से 1856 तक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, एज़ यूज़ुअल, हम लोग देखेंगे कि इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले चीज़ है कि डलहौजीज़ की पॉलिसी देखेंगे, उसके बाद उन्होंने कैसे पंजाब में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन निभाई, उसके बाद लोअर बुर्मा में उन्होंने कैसे प्रवेश किया, फिर उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उनके बारे में देखेंगे, उनके एप्लीकेशन जो कि इंडियन स्टेट में लगाया गया था, उसके बाद उनकी औध में कैसी प्रेजेंट रही थी ये भी देखेंगे, और उसके बाद डलहौजी की डोमेस्टिक रिफॉर्म्स कैसे हुई थी, जिसमें कि उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, टेलीग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, टेलीग्राफ को, तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, उनके एडुकेशनल और भी जो भी उन्होंने रिफॉर्म किया है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी थे, और उन्होंने अपनी जो ऑफिस एज्यूम की थी वो एज उनकी थी 36, और 1848 में उन्होंने अपनी ऑफिस एज्यूम की थी। उनकी जो अर्ली कैरियर थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। वो क्रिस्ट चर्च में स्टडी किए थे, जो कि ऑक्सफोर्ड की थी। वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, और फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे एंजॉय किया था, जो कि सर रॉबर्ट पील की थी। फिर वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी थे, और सर रॉबर्ट फिल जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनकी भी कॉन्फिडेंस इन्होंने इंजॉय किया था। फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया रेलवे कंस्ट्रक्शंस की इंग्लैंड में। उसके बाद आप बोर्ड ऑफ ट्रेड देखोगे तो उनके भी प्रेसिडेंट रहे थे। 1847 में इन्होंने गवर्नर जनरलशिप जो इंडिया की थी वो ऑफ़र किया गया था, फिर इन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया, और फिर कलकत्ता भी आए, वो भी जनवरी 1848 में। अब इनकी एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट देखने को मिलता है डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो था ग्रेट ड्रामा ऑफ एनेक्सेशन। उनकी ये एम थी ना कि वो अपनी कंट्री की जो भी उनकी कंपनी की टेरिटरी थी उनको वो बहुत बढ़ाना चाहते थे, विस्तृत करना चाहते थे, इसलिए वो दूसरे दूसरे स्टेट में एनेक्सेट करते थे, यानी वहाँ पे प्रवेश करते थे, और वो अपनी कंपनी को टेरिटरी अपनी कंपनी के टेरिटरी को बढ़ाकर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को बढ़ाना चाहते थे, इंपीरियल और कमर्शियल ये सारी कुछ वहाँ पर बढ़ाना चाहते थे, और फिनेंशियल तौर पर भी वो काफ़ी एक्सपेंड करना चाहते थे। वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रीज़न भी यूज़ करते थे एनेक्सेशंस के लिए। उनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव थी ना वो थी कि वो जो भी मिस रूल हो रहा था दूसरे दूसरे स्टेट में उनको एंड करना चाहते थे, जैसे कि एनेक्सेशन ऑफ औध। तो गलत तरीके से औध में प्रवेश किया गया और औध को अपने अंदर कैप्चर किया गया, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी उनको वो एंड करना चाहते थे। उनका एम था कि वो एक बेनिफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर बने, और वो लोगों को जहाँ जहाँ वो अपनी प्रवेश कर रहे हैं, जिस स्टेट में वो जा रहे हैं, उस स्टेट के लोगों को वो कुछ वेलफेयर प्रोवाइड करे। उसी समय में उनके माइंड में एक एडवांटेज भी आया कि वो जब ब्रिटिश के लिए वो जब एनेक्सेंट कर रहे थे, जैसे कि इंपीरियल डिफेंस हो गया, कमर्शियल हो गया, बेनिफिशियल बेनिफिट हो गई, फिनेंशियल बेनिफिट हो गई, तो इस तरीके की जब वो ब्रिटिश के लिए कर रहे थे तो वो और स्टेट के लिए क्यों ना करे, और लोगों के लिए क्यों ना करे। तो डलहौजी जो थे वो इंडिया नहीं आए थे, और इंडिया जब वो इंडिया नहीं आए थे तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन चल रही थी, यानी हम लोग देखे थे कि ब्रिटिश किस तरीके से दूसरे दूसरे स्टेट में प्रवेश कर रहे थे, और हमारे इंडिया की टेरिटरी में वो धीरे धीरे अपना कंपनी रूल से, वो तो सिंपली यहाँ पे व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार करने के बाद वो यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंक्लूड हो गए, फिर वो इंटरफेयर करने लगे पॉलिटिकल मैटर में, उसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ पे रूल करने का ही सोच रहे थे। पहले वो कलकत्ता रीजन में थे, बॉम्बे रीजन में थे, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि औध के रीजन में, फिर साउथ में वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। जो ब्रिटिश यहाँ पर बढ़ रहे थे ना, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय नहीं आए थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब आए थे तो वो हमारा बुरा नहीं करना चाह रहे थे, इंडिया के स्टेट में इंडिया के लोगों के लिए वेलफेयर करना चाह रहे थे, ओके। उनकी जो एनेक्सेशन थी, यानी जो लॉर्ड डलहौजी कहाँ कहाँ आए थे, पंजाब आए थे, लोअर बुर्मा आए थे, और बहुत सारे सेंट्रल प्रोविंस के जगहों पे भी आए थे, और औध में भी आए थे, लेकिन एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। पंजाब में आए तो उन्होंने पंजाब में क्या किया, यहाँ पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1849 में, और पंजाब जो है डलहौजी के द्वारा यहाँ पे एनेक्स्ट कर लिया गया था, पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गई थी। ये ऑर्गेनाइज़ किए थे, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको काफ़ी अच्छे से ये बनाए थे,
जो प्रोविंस थी उनको स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के कंट्रोल में डाल दिया गया, जिसको हम लोग डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। ये सारी जो कमिश्नर थे ये कुछ असिस्टेंट के हेल्प से वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट बनाए रखते थे पंजाब के लोगों के साथ। रेवेन्यू और जुडिशियल डिपार्टमेंट भी देखेंगे तो उनको कंबाइन कर दिया गया था, जिनके थ्रू जो पावर थी ना, पावर की कंसंट्रेशन हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंसंट्रेशन हो, वो एक साथ आ गई थी। जो लॉ थी और प्रोसीजर थी वो भी यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया गया था, काफ़ी ईजी कर दिया गया था, लोगों के कस्टम के अकॉर्डिंग कर दिया गया था। जो ओवरऑल पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी चीफ कमिश्नर के हाथ में था। इनफैक्ट जो गवर्नर जनरल थे वो यहाँ पे रूलर थे पंजाब के, और जो सर्विस थी लॉरेंस ब्रदर की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब में वो भी काफ़ी अच्छी थी। 3 साल के अंदर ही क्या हुआ कि यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर मिल गया और यहाँ पे इस प्रोविंस को फिर से रीस्टोर किया गया। ये इफिशियंटली यहाँ पे डिपेंडेंट था इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से। लेकिन 1859 में क्या हुआ कि सर जॉन लॉरेंस जो थे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए पंजाब के। ओके, तो पंजाब की स्थिति बहुत बेकार थी, क्योंकि पंजाब में जो है देखोगे कि ब्रिटिश वाले जो वहाँ पर प्रवेश किए थे तो उनको लूटना चाह रहे थे। पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती थी तो वो अपनी जो है वहाँ के पीजेंट्स को वो दबाव दे रहे थे, लेकिन ये जो लॉर्ड डलहौजी आए थे तो वो वहाँ के लोगों लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। सेकंड बुर्मिस वॉर देखते हैं, और जो लोअर बुर्मा में इनकी जब प्रवेश हुई थी 1852 में, जो कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ था रंगून में, और यहाँ पे एक न्यू हॉस्टिलिटीज़ ब्रिटिश और बुर्मिस के बीच में निकल कर आई थी। जब हम लोग सेकंड बुर्मिस वॉर देखें 1852 की, तो डलहौजी जो है लोअर बुर्मा में उन्होंने इंटर किया और पेंगू में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। मेजर जो आर्थर पायर थे उनको कमिश्नर के जैसा इस न्यू प्रोविंस में अपॉइंट किया गया। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी यहाँ पे इफ़िशेंटली प्रूव्ड हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे काम किया। फिर लोअर बुर्मा में जब वो इंटर किए तो वहाँ पे बेनिफिशियल हो गई ब्रिटेन के लिए, बहुत अच्छी ब्रिटेन के लिए हो गई। रंगून देखेंगे तो ब्रिटेन की मोस्ट वैल्यूएबल एक्विजिशंस थी, जो कि वॉर के टाइम में उन्होंने रंगून को अपने अधीन ले लिया था, तो वो एक बिगेस्ट पोर्ट बन गया था एशिया का रंगून में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखते हैं। जो डलहौजी थे उन्होंने काफ़ी एडवांटेज ली और काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी उनको मिली कि बहुत सारी टेरिटरी को वो एक्वायर कर सके, लेकिन पीसफुल मीन से, शांति तरीके से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी काफ़ी बढ़ रही थी और काफ़ी पावर वो अपनी शो कर रही थी इंडिया में। यहाँ पे एक अलायंस के साथ इंडियन रूलर्स के साथ इसको कंक्लूड किया गया। यहाँ पे प्रॉमिस किया गया कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके जो हीयर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, यानी जो उनके आगे आने वाले पुत्र पुत्रियाँ हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे, और इसके बदले में वो बहुत सारे कंसेशन भी देंगे। इस टाइप की जो एग्रीमेंट हो रही थी वो ब्रिटिश को काफ़ी फेवर कर रही थी, ब्रिटिश के ही फेवर में था। डलहौजी जो है यहाँ पे काफ़ी मोर, बहुत ज़्यादा पावर वो एक्वायर कर रहे थे। अगर हम लोग हिंदू लॉ के साथ देखेंगे तो एक जो आदमी था ना वो एक ही सन को अडॉप्ट कर सकता था। अगर उनके कोई भी मेल हीयर नहीं है, उनके कोई भी पुत्र नहीं है, तो वो एक सन को अडॉप्ट कर सकते और अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे दे सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या एक हिंदू रूलर यहाँ पे इस तरीके के स्टेट सबॉर्डिनेट को वो यहाँ पे होल्ड कर सकते थे, और उनकी पावर को वो अपना पूरा जो भी बच्चे को अडॉप्ट किए हैं उनके ऊपर वो डाल सकते थे। ये कस्टमनरी था यहाँ पे रूलर का कि बिना किसी नेचुरल हेयर के भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो पूछते थे और वो एक सन को अडॉप्ट कर लेते थे जो उनके सारे प्रॉपर्टी का हकदार होता था। लेकिन डलहौजी के साथ क्या हुआ ना कि ये जो परमिशन थी ना इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, और यहाँ पे एक स्टेट यहाँ पे निकल कर आया लैप्स, यानी ये ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, और ये एक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। डलहौजी ने यहाँ पे मेंटेन किया कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी प्रिंसिपल के लिए, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इनहेरेंट है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पिता से पुत्र में जाता है, उनका जो आपका जो राइट है और राइट टू गवर्न और जो गवर्न करने का जो राइट है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल निकल कर आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उन्होंने इसको लैप्स कर दिया। यानी जो लोग वहाँ पे राजा जो किंगडम थे, जो रूलर थे उस स्टेट के, अगर वो उनके पास जो उनके कोई पुत्र नहीं होते थे तो वो अडॉप्ट कर लेते थे और अपनी सारी धन संपत्ति उनके नाम ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन डलहौजी ने इनको लैप्स कर दिया, इस पॉलिसी को लाकर उन्होंने ये कहा कि कोई भी यहाँ पे अपने एक अडॉप्ट पुत्र को कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो डलहौजी के द्वारा ये अप्लाई किया गया था 1917 में, उसके बाद 1848 में झांसी में, नागपुर में, जहाँ उन्होंने प्रवेश किया था 1848 में, और फिर उसके बाद इस एनेक्सेशन के रिजल्ट में क्या हुआ कि जो सेंट्रल प्रोविंस का लार्ज पार्ट था ना वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गया। न्यू प्रोविंस यहाँ पे गवर्न किया गया चीफ कमिश्नर, जो कि 1861 से।
जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो यहाँ पे इलीगल के जैसा नहीं काम किया गया, और ये एप्लीकेशन आपका डलहौजी के द्वारा डिसलाइक किया गया। इंडियन प्रिंसेस यानी इंडियन प्रिंसेस इसको पसंद नहीं करते थे। जो एडवांटेजेस थी सतारा की, झांसी की, नागपुर की, वो यहाँ पे ब्रिटिश के हाथ में आ गई। डलहौजी को यहाँ पे ब्लेम किया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज़ करके वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूज़ किया और अपनी पॉलिसी को वो बढ़ाते गए। जब म्यूटिनी हुई 1857 की, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यहाँ पे विदड्रॉन कर दिया गया, यानी इनको बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, म्यूटिनी जो 1857 की हुई, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, जो इस ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो फाइट कर रही थी। अब देखते हैं एनेक्सेशन जो औध का हुआ था, तो औध की एनेक्सेशन देखते हैं कि किस तरीके से औध को भी ब्रिटिश इंडिया अपने अपने जो टेरिटरी में इंक्लूड करना चाह रही थी। तो ब्रिटिश का जो रिलेशन था औध के स्टेट के साथ, वो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के साथ चला गया था, जो 1765 में था। उसके बाद यहाँ पे वैरन हेस्टिंग की जो राइट थी, उससे यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने नवाब ऑफ औध को ये एडवाइस किया कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर ले। लेकिन जो मिस रूल थी वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रही थी, जो रूल का उल्लंघन था वो यहाँ पे चल रहा था। नवाब जो थे वो यहाँ पे जो ब्रिटिश के द्वारा जो अजम्पशंस था उनको यहाँ पे नहीं लेकर चल रहे थे। ओके, 1851 में क्या हुआ कि जो विलियम सेलेमन थे यानी लखनऊ के जो रेसिडेंट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि स्पेक्टिकल ऑफ ह्यूमन माइजरी और केयरलेस मिस रूल। लेकिन सेलेमन जो थे वो पॉलिसी के अगेंस्ट में थे, जब वो औध को एनेक्सिक कर रहे थे, यानी जो औध को अपने टेरिटरी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, सेलेमन इन नहीं चाहते थे। जब ये सिचुएशन, औध की सिचुएशन को यहाँ सर्वे किया गया, तो डलहौजी ने इसको 1856 में अपने टेरिटरी में मिला लिया। नवाब वाजिद अली जो, उन्होंने गारंटी किया कि एक पेंशन दिया जाएगा 12 लाख रुपीज़ पर ईयर। और यहाँ पे इस टेरिटरी को जब यहाँ पे मिलाया गया और ये आपके चीफ कमिश्नर के कंट्रोल के अंदर में आ गया, तब डलहौजी ने औध को भी अपने टेरिटरी में मिला लिया। और जो लास्ट वन थे एनेक्सेशंस में, वो यहाँ पे क्रिएट पॉलिटिकल डेंजर हो गया, यानी यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेंजर थी वो यहाँ पे निकल कर आई। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि मुस्लिम एलाइट की यहाँ पे ऑफेंडेड की गई। बहुत सारे डेंजरस जो इफ़ेक्ट हम लोग को देखने पड़े ब्रिटिश आर्मी के लिए, वो इंडियन ट्रूप्स में हुए। इनमें से बहुत जो थे वो औध से थे। उन्होंने एक प्रिविलेज पोजीशंस भी यहाँ पे ऑक्यूपाई किया एनेक्सेशंस के पहले। जब इस औध को ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाया गया, तो उससे पहले जितने भी आर्मी थे उनको बहुत ही अच्छा प्रिविलेज पोजीशंस दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो एक इक्वली ट्रीट किया जाता था, उनको कोई भी प्रिविलेज पोजीशंस नहीं दिया जाता था इंडियन ट्रूप्स को, और वहाँ पर उनकी प्रेस्टीज की भी लॉस हुई। इस तरीके से बहुत तरीके से आप देखोगे तो औध की जो एनेक्सेशंस थी ना, वो म्यूटिनी 1857 में भी कॉन्ट्रीब्यूट की, क्योंकि औध को जब ब्रिटिश में मिलाया गया तो औध के जितने भी पीपल्स थे, आर्मी थे, उनको अच्छे तरीके से प्रिविलेज नहीं दिया गया, उनको उस तरीके से नहीं रखा गया जब जैसे वो औध में रखते थे। तो इसलिए वो लोग के अंदर भी ये गुस्सा फूटा, और उसके बाद ये म्यूटिनी 1857 की जो हुई थी, ये भी एक कंट्रीब्यूशन था। अब देखते कि डोमेस्टिक रिफॉर्म क्या गया, क्या क्या किया गया डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी की जो टेरिटोरियल एक्विजिशन थी, वो मैप, इंडिया की जो मैप थी ना, उनको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दी। वो ना ही सिर्फ जीत हासिल करते थे, बट एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल में उन्होंने अपॉइंट किया था, वो डलहौजी ने अनेबल किया कि यहाँ पे कंसंट्रेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस की कंसंट्रेट हो, और यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट होनी चाहिए जिसके थ्रू वो न्यू प्रोविंसेस को भी यहाँ पे मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट में मिलाए। और न्यूली जो एक्वायर्ड टेरिटरी थी, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसको नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं। इस कमिश्नर के अंडर, इस सिस्टम के अंडर में ये जो कमिश्नर थे, वन सेकेंड, इनको अपॉइंट किया गया न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी के लिए। और इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स जो कि डलहौजी ने किया, वहाँ पे उन्होंने बंगाल की जो आर्टिलरी थी उनके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया कलकत्ता से मेरठ में, और शिमला जो है यहाँ पे परमानेंट हेडक्वार्टर बन गया आर्मी का। रेलवे में क्या इन्होंने किया, जो रेलवे की इंट्रोडक्शन हुई थी इंडिया में, वो एक न्यू इकोनॉमिक एरा का इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ पे तीन मेजर रीजंस थे ब्रिटिश के लिए जिन्होंने इस डेवलपमेंट में अपनी इंटरेस्ट दिखाई थी। फर्स्ट रीज़न था कि कमर्शियल, जो सेकेंड रीज़न था एडमिनिस्ट्रेटिव, थर्ड रीज़न था डिफेंस, यानी इस समय जब रिवोल्ट का टाइम था, डिस्टरबेंस का टाइम था, तो फोर्सेस को मूवमेंट करने में आसानी मिलेगी। रेलवे के थ्रू वो अपनी फोर्सेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से भेजेंगे। लॉर्ड डलहौजी जो है इस रेलवे के डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किए थे। 1853 में उन्होंने रेलवे मिनट फॉर्मेलिटिंग की थी, जो कि एक पॉलिसी भी थी, फ्यूचर पॉलिसी थी रेलवे की। और वो यहाँ पे स्टार्ट किए थे गारंटी सिस्टम, जो कि रेलवे कंपनी के द्वारा किया गया था। एक मिनिमम इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा 5% की, इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि गारंटी है।
जो गवर्नमेंट है यहाँ पे रिटेन किए थे बहुत सारे जो रेलवे की जो ये कॉन्ट्रैक्ट इस पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट में इंड में जो रेलवे की खरीदारी थी उनकी राइट को यहाँ पे कम कर दिया गया। जो फर्स्ट रेलवे लाइन यहाँ पे कॉन्टैक्ट की थी वो थी कनेक्ट की थी बॉम्बे को थाने से और ये 1853 में ओपन हुआ था। रेलवे लाइन यहाँ पे कनेक्ट की थी कलकत्ता से रानीगंज में, ये भी कोल फील्ड थी जो कि 1854 में इसको ओपन किया गया, और मद्रास से अराकनोमम में ये 1856 में, यानी आपको याद रखना है 1853, 1854 और 1856 में। 1853 में आपका बॉम्बे से थाने, 1854 में आपका कलकत्ता टू रानीगंज और 1856 में मद्रास टू अराकनोमम। ओके, जो फर्स्ट रेलवे लाइन था वर्ल्ड में वो ओपन हुआ था 1825 में और वो भी इंग्लैंड में, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कि लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट की थी। टेलीग्राफ के बारे में देखें तो इसी तरीके से जो टेलीग्राफ का यूज़ था वो भी काफ़ी अच्छा एक कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया था ब्रिटिश सरकार के अधीन में। इंडिया में आप देखोगे तो लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट की थी और 1852 में ओ शाओघोंसी जो थे वो उनको अपॉइंट किया गया था टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट के तौर पर। मेन सिटीज़ जो हमारे कंट्री में थी जैसे कि कलकत्ता हो गई, पेशवा और बॉम्बे मद्रास, वो टेलीग्राफली काफ़ी कनेक्टेड थे। 4000 माइल्स अगर आप देखोगे तो टेलीग्राफ लाइंस यहाँ पे बिछाया गया था, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ डलहौजी के साथ। अगर हम लोग 1857 की रिवॉल्ट देखेंगे तो टेलीग्राफिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी ये प्रूव कर दी कि ये इंग्लिश के लिए काफ़ी एक अभिशाप वरदान हासिल हो गया उनको, ठीक है, बून है ये, ओके, बेन नहीं है। मिलिट्री वैली जो डलहौजी क्रिएशंस की थी वो भी यहाँ पे रियलाइज़ किया गया उसी समय में। और अगर हम लोग पोस्टल रिफॉर्म देखें तो जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है वो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। एक न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था 1854 में। इसके बाद क्या हुआ कि जो डिस्टेंस था ना लेटर का वो स्टार्ट हो गया, लेटर सेंट होना स्टार्ट हो गया, एक यूनिफॉर्म रेट लगने लगा और यहाँ पे अन्ना पर पोस्ट कार्ड जो है यहाँ पे चार्ज किया गया इंडिया से। पोस्टल सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसी समय फर्स्ट टाइम। एडुकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो डलहौजी ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया एडुकेशन का, और जो एडुकेशन डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड थे उनको भी कंसीडर किया गया एज ए इंटेलेक्चुअल चार्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने काफ़ी आउटलाइन भी प्रोवाइड किया जिसके थ्रू जो भी कंप्रिहेंसिव स्कीम्स थी एडुकेशन की प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और कलीगेट लेवल में, उनको इन्होंने इम्प्रूव किया। डलहौजी ने फुल्ली एक्सेप्ट किया जो आपके चार्ल्स वुड के व्यूज़ थे और इनको यहाँ पे वो कैरी करके लाए और न्यू स्कीम्स के तर्ज पर वो यहाँ पे डेवलप भी किए। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रूमेंट थी वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बॉम्बे और मद्रास थी वो भी 1857 में यहाँ पे फाउंड हुई। ओके, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो डलहौजी के पीरियड के पहले जो पब्लिक वर्क की जॉब थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जो जॉब थी वो मिलिट्री बोर्ड के द्वारा की जाती थी। डलहौजी यहाँ पे एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाए और उन्होंने फंड को भी यहाँ पे क्रिएट किए जिसके थ्रू वो कैनल और रोड को कट कर पाए। जो अपर गंगेस कैनल थी वो भी यहाँ पे 1854 में कंप्लीट हो पाई। बहुत सारी जो ब्रिजेस थी वो कंस्ट्रक्ट की गई और मॉडर्नाइज, अगर हम लोग देखें जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को यहाँ पे मॉडर्नाइज़ किया गया तो इनकी फाउंडेशन भी इंजीनियरिंग सर्विस के तौर पर रखा गया। अब डलहौजी की एस्टिमेट देखते हैं। डलहौजी ने इंडिया छोड़ दिया था 1856 में, लेकिन जो म्यूटिनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो इस साल के बाद ही हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिस देखने को मिले थे इनके एनेक्जेशन के पॉलिसी में, यानी जो दूसरे दूसरे स्टेट को वो अपने पॉलिसी में या ब्रिटिश पॉलिसी में वो इंक्लूड कर रहे थे, अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर रहे थे, तो उनके कारण ये म्यूटिनी भी हुई थी। अगर ये देखें तो काफ़ी सालों तक उनको एग्जॉस्ट किया गया, ओवरवर्क कराया गया इंडिया में, उसके बाद वो बीमार भी हो गए और 1860 में वो उनकी मृत्यु भी हो गई। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि डलहौजी जो थे एक काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, विजनरी भी थे, उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया को काफ़ी एक्सटेंड भी किया और कंसोलिडेट भी की। उन्होंने एक नया एरा जो प्रोग्रेस का था बहुत साइड से उन्होंने इनॉग्रेट भी किया। उनको फादर ऑफ रेलवे भी कहते हैं, टेलीग्राफ भी कहते हैं। उनको प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो भी इंडिया में था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो एक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के तर्ज पर निकल कर आए थे। ओके, तो ये सारी बातें रही लॉर्ड डलहौजी के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा। लर्निंग आउटकम्स अगर हम लोग देखें तो डलहौजी की जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन के स्टेट जैसे औध को उन्होंने अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया, उसके बाद उससे क्या बेनिफिशियल हुआ इंडियन स्टेट को वो देखे, पंजाब को किस तरीके से उन्होंने, लोअर बुरमा को किस तरीके से उन्होंने, और सेंट्रल इंडिया को किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड किया, उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस तरीके से निकल कर आई, और उसके बाद डलहौजी ने यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स भी किए, जैसे उनको जो है फादर ऑफ रेलवे और फादर ऑफ टेलीग्राफ भी कहा जाता है। उन्होंने मॉडर्न मेथड यहाँ पर अपनाए कम्युनिकेशन का, जैसे कि रेलवे और टेलीग्राफ हो गई। स्टूडेंट को उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छा एक योगदान भी दिया, एडुकेशन के लिए योगदान दिया। ओके, तो ये सारी बात रही लॉर्ड डलहौजी के लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, आपको एक दो क्वेश्चंस का आंसर बताना है कि पंजाब को जो एनेक्स्ट किया गया डलहौजी के द्वारा तो ये किस ईयर में किया गया था।
फिर लॉरेंस ब्रदर्स जो थे उन्होंने सर्विस भेजा था एडमिनिस्ट्रेशन, किनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये आपको बताना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आप बता सकते हो कि जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी बॉम्बे और थाने के बीच में वो किस ईयर में ओपन हुई थी, जो फाउंडेशन थी मॉडर्न पोस्टल सिस्टम का वो कब हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको श्योरली आंसर करूंगी कि आपने जो आंसर किया है वो सही है कि नहीं है। ओके तो गाइस ये लेसन यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट क्वेरीज और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।